कन्हैया के साथ मंच साझा करने से तेजस्वी ने किया परहेज। कुमार प्रजापति समाज के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम। विपक्षी एकता की बैठक से पहले ही महागठबंधन में विवाद। पटना में 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक से पहले राजधानी बापू सभागार में प्रजापति समाज की तरफ से सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को निमंत्रण दिया गया था। उप मुख्यमंत्री के साथ महागठबंधन के सभी नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया था, जिस जेडीयू की तरफ से मंत्री अशोक चौधरी, कांग्रेस की तरफ से मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, राजद की तरफ से मंत्री इसरार मसूरी के साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को भी बुलाया गया था। सभी नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी उपस्थित ही थे। कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी यादव कभी मंच साझा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव इस मंच पर नहीं पहुंचे। इसके बाद मंत्री अशोक चौधरी, कन्हैया कुमार ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। तेजस्वी से जुड़े सवालों को टालते नजर आए कन्हैया कुमार। जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंच पर नहीं पहुंचे, तो पत्रकारों ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार से सवाल किया कि तेजस्वी यादव आपके साथ मंच साझा नहीं करना चाहते हैं क्या। इसके जवाब में कुमार ने चुप्पी साधते हुए सवालों को टालते हुए नजर आए। आप भी सुनिए। तेजस्वी यादव नहीं आए हैं, आज वहाँ तेजस्वी नहीं आए, क्या कहेंगे तेजस्वी यादव? साझा नहीं करना चाहते हैं क्या तेजस्वी यादव आपके साथ? अध्यक्ष की बात सुन लीजिए, अध्यक्ष जी तेजस्वी यादव नहीं आए हैं, आप मंच पे आए तो सवालों का गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आए अशोक चौधरी। मंच पर कन्हैया कुमार नहीं पहुंचे, इस सवाल को लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से पत्रकारों ने भी सवाल किया, तो मंत्री अशोक चौधरी सवालों को गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमें विभाग का कार्यक्रम है, इसलिए हम विभाग के कार्यक्रम में जा रहे हैं। तेजस्वी जी भी आमंत्रित थे लेकिन पहुंचे नहीं है, सवाल हो सकता है। नहीं, हो सकता है कि उनको प्रॉपर इनविटेशन, बहुत जगह ऐसा होता है ना कि आप निमंत्रण देते हैं, प्रॉपर कन्फर्मेशन, हम बोलते हैं कि ठीक है हम आएंगे, देखते हैं, बताएंगे, कन्फर्म करें। हो सकता है कन्फर्म नहीं किए हो और इन लोगों ने अपना नाम डाल दिया हो, लेकिन क्योंकि उनके कार्यक्रम थे नहीं, हमने जब बात किया तो बोले कि हमारा पहले से उनसे नहीं बात हुई और उनका पहले से हमारा कार्यक्रम था लगा हुआ, डिपार्टमेंटल कार्यक्रम, तो कन्फर्म नहीं कर पाए थे। नहीं, नहीं, ये सब क्यों, उससे क्या मतलब है, क्यों करेंगे? तो दूसरे, अब हम यहाँ पर, हमारे लिए, हमारे साथ कौन कौन आ रहे हैं वो हमारे लिए थोड़ी फर्क पड़ता है। हम अपनी बात को कैसे रखते हैं और अपनी बात को उनके बीच कैसे प्रस्तुत करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये है सर, 12 जून को आप लोग की महाबैठक। तेजस्वी के मंच पर नाने पर निराश हुए सम्मेलन के आयोजक। वहीं प्रजापति सम्मेलन के आयोजक पिंटू गुरुजी, प्रदेश महासचिव, ने कहा तेजस्वी यादव मंच पर नहीं पहुंचे तो हमारे समाज के लोगों को निराशा हाथ लगी है। हमारे समाज के लोग आरजेडी को वोट देते थे, लालू प्रसाद यादव हमारे समाज के लोगों के लिए काम किया था, हम लोग चाहते थे कि तेजस्वी यादव की हम लोगों के साथ मंच साझा करें, लेकिन उन्होंने दूरी बना ली, इसका हम लोगों को खेद है। क्या है मंच साझा न करने की असल वजह? बता दें कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने के इच्छुक इसलिए नहीं है क्योंकि 2019 में कन्हैया कुमार ने बेगूसराय से भाजपा के गिरिराज सिंह के खिलाफ वामपंथी उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा था। वामपंथी नेताओं ने जब आरजेडी से अनुरोध किया था कि वो सीट से अपना उम्मीदवार न उतारे, लेकिन आरजेडी द्वारा वहां से उम्मीदवार खड़ा किए जाने के बाद कन्हैया कुमार चुनाव हार गए क्योंकि महागठबंधन के वोट कन्हैया कुमार और आरजेडी प्रत्याशी के बीच बढ़ गए। लालू यादव के परिवार का मानना है कि अगर कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित करते हैं तो तेजस्वी यादव मुस्लिम वोटों से चूक सकते हैं। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।